पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्र सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स प्रशिक्षु और स्नातकोत्तर प्रशिक्षुओं ने लगातार चौथे दिन भी हड़ताल को जारी रखा। इससे समूचे प्रदेश में सेवाएं भी बाधित है। यहां आपको बताते चलें कि जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में यह भयावह घटना घटी थी, अब वहां के प्रधानाचार्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहां जहानाबाद के मखदुमपुर स्थित सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई श्रद्धालु घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इस घटना के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई थी। मौके पर मौजूद लोगों की सहायता एवं बचाव कार्य किया गया। बताया जा रहा है कि मंदिर में भगवान शंकर की पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए थे। मंदिर में श्रावणी मेला भी चल रहा था। इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ ऐसी बढ़ी कि धक्का मुक्की में अचानक भगदड़ मच गई, जहां इस अफरा तफरी के माहौल के बीच जान बचाने की कोशिश में श्रद्धालु भागने लगे। इस दौरान भीड़ में दबकर दम घुटने से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और कई श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। वहीं घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पतालों में भेजा गया। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मंदिर परिसर में पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। वहीं जहानाबाद डीएम अलकृंता पांडे ने कहा कि जहानाबाद जिले के मखदुमपुर में बाबा सिद्धेश्वर मंदिर में भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई है और 9 लोगों के घायल होने का पता चला है। हरियाणा में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होने लगी है। राजनीतिक दलों द्वारा जगह जगह पर रैलियों एवं जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते हरियाणा के पुंडरी में कार्यक्रम के दौरान हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौरी मुख्य रूप से पहुंचे। हरियाणा भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व में रहे विधायक चौधरी तेजवीर ने उनका नागरिक अभिनंदन किया। वहीं पुंडरी से 2 बार विधायक रह चुके दिनेश कौशिक ने भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अपने संबोधन के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बडौली ने कांग्रेस को जमकर घेरा और कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद वे पहली मर्तबा पुंडरी आए हैं, जहां उन्हें जनता का भरपूर समर्थन देखने को मिला। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में फिर से कमल खिलेगा और भाजपा पुनः सरकार बनाएगी। हिमाचल प्रदेश भाजपा विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में विली पार्क में सम्पन्न हुई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष रूप से उपस्थित रहे। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने बताया कि विधायक दल ने आपदा में मृत लोगों को लेकर एक शोक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव ने प्रदेश में आई आपदा को अति दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया। साथ ही बैठक में 2 मिनट का मौन भी रखा। रणधीर शर्मा ने कहा कि बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है और जिस प्रकार से कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने जयराम ठाकुर की भाजपा सरकार के समय के सभी जनकल्याणकारी फैसलों को पलटने का काम किया है, यह प्रदेश हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार एक के बाद एक जनविरोधी फैसले ले रही है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पर शुल्क लगाना, बिजली के दाम बढ़ाना, 125 यूनिट बिजली मुफ्त हटाना, हिमकेयर योजना से जनता को बाहर करना, HRTC में यात्रा को महंगा करना, महिलाओं को दी गई सुविधाओं को वापस लेना। उन्होंने कहा इससे पता लगता है कि ये सरकार जनविरोधी है। इसको लेकर भाजपा विधायक दल विधानसभा सत्र के दौरान भी कांग्रेस पर आक्रामक होगा। हरियाणा राज्य में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों को लेकर कदम ताल शुरू हो चुकी है। वहीं निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल 2 दिवसीय दौरे पर हरियाणा पहुंचा है। हरियाणा में आगामी विधानसभा के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर SS संधु के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को हरियाणा पहुंचा। 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल प्रदेश में कानून व्यवस्था और चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा करेगा। इस दौरान उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के अलावा राजनीतिक दलों के साथ भी बैठकें की जाएंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास में आयोजित नगरीय महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है।
बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगरीय निकाय के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की। इससे नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों को जहां आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी, वहीं वे अपने कार्यों को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने महिला जनप्रतिनिधियों से तीज त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाने का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित नगरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स पोर्टल भी लॉन्च किया। बता दें बढ़े हुए मानदेय में अब महापौर का मानदेय 22,000 से बढ़ाकर 26,400, महानगर पालिका उपाध्यक्ष का मानदेय 18,000 से बढ़ाकर 21,600, निगम पार्षद का मानदेय 12,000 से बढ़ाकर 14,400 रुपए, नगर पालिका अध्यक्ष का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 7,200 रुपए प्रतिमाह, वहीं उपाध्यक्ष का मानदेय 4,800 रुपए से बढ़ाकर 5,760 रुपए, जबकि पार्षद का मानदेय 3,600 रुपए से बढ़ाकर 4,320 रुपए किया है। देश भर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां चल रही है। इस अवसर पर चंडीगढ़ में भी तैयारियां जोरों पर है। शहर में स्वतंत्रता दिवस के लिए रिहर्सल की जा रही है। इस बीच चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने 13 अगस्त की सुबह के लिए शहर के कुछ रास्तों पर आवाजाही को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि स्वतंत्रता दिवस 2024 समारोह के लिए रिहर्सल 13 अगस्त की सुबह 8:30 से लेकर परेड ग्राउंड सेक्टर 17 में आयोजित की जाएगी। इसलिए शहर में लोगों को सुबह 8:30 से लेकर 9:15 तक कुछ रास्तों पर निकलने से बचना चाहिए। सुबह 8:30 से 9:15 तक पंजाब राजभवन से सेक्टर 5-6-7-8 चौक हीरा सिंह चौक की ओर से 4-5-8-9 चौक से सेक्टर 3-4-9-10 चौक न्यू बैरिगेट चौक की तरफ से सेक्टर 1-3-4 चौक ओल्ड बैरिकेड चौक की ओर से वार मेमोरियल बोगनविला गार्डन सेक्टर 3 की तरफ से रास्ते पर न आएं। वहीं वार मेमोरियल बोगनविला गार्डन सेक्टर 3 से ओल्ड बैरिकेड चौक की तरफ से मटका चौक व जनमार्ग पर सेक्टर 16-17 लाइट पॉइंट से लॉयंस लाइट पॉइंट की तरफ से परेड ग्राउंड सेक्टर 17 के रास्ते पर न आएं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।